मुसलमानों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा, गलत खबरें चलाकर किस तरह उनकी जिंदगी, उनके कारोबार को बर्बाद किया जाता है, इस एक खबर के जरिए समझिए। बकरीद से पहले नवी मुंबई के बेलापुर में एक बकरे को लेकर बवाल हुआ था। दरअसल एक दुकान के बाहर बिक रहे बकरे पर RAM लिखा हुआ था और किसी ने बकरे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस मैसेज के साथ डाल दिया कि इस बकरीद पर राम नाम का बकरा हलाल करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वायरल हो गई। सभी टीवी चैनलों ने इस पर खबर भी चलाई और बकरा व्यापारी शफी पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हिंदुवादी संगठनों ने भी उस बकरी की दुकान पर हंगामा किया। दुकान के मालिक शफी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर 15 जून को FIR दर्ज करवाया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुकान सील कर दिया और 22 बकरियों को जब्त कर लिया था। अब 2 महीने की कानूनी उठापटक के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति का बयान दर्ज किया है जिसने शफी से बकरा खरीदा था। इनका नाम है रियाज अहमद मिठानी। इन्होंने पुलिस को बताया कि बकरी पर लिखा हुआ अल्फाबेट RAM दरअसल इनके नाम का इनिशियल है, यानी शुरुआती अक्षर है। R से रियाज, A से अहमद और M से मिठानी। यानी दुकान के मालिक शफी ने अपने 12 बकरों में रियाज के बकरे की पहचान करने के लिए उस पर रियाज का नाम लिख दिया था, जिसके बाद हंगामा हो गया। मैं हूँ रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।